Hello friends, welcome again to the world of maths by Amir. This question is sent by Shailendra Sharma and उन्होंने solution भी इसका send किया है but asked कि अगर और कोई different method हो तो अगर आपने इस question को solve नहीं किया है if you have not solved this question must solve question for the SSC and MBA. Okay, तो I would say please pause the video and solve this question, answer post कीजिए and देखिए and बताइए आपने answer को बनाया कैसे है. Okay, तो pause कीजिए. आई होप आपने पॉज किया होगा, ट्राई किया होगा, सॉल्व किया होगा. तो ये सॉल्यूशन भेजा गया है शैलेंद्र शर्मा के द्वारा. ये वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन का. इसमें अगर मुझे भी सॉल्व करना हो तो आई विल डू द सेम. मैं इसे एक्स एज्यूम करता 5/2, 3, 13/4 से अगेन 5/2 से स्टार्ट हुआ है तो इस पूरे को मैं एक्स से रिप्लेस करता. स्क्वायरिंग LHS, स्क्वायरिंग LHS यही करता जो इन्होंने भी किया है. मतलब फिर से अगर विजिबल नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ. इन्होंने एक्स से प्लॉट किया, स्क्वायर बोथ द साइड किया, जो आपका वेरिएबल अंडर रूट से फ्री होता है उसे LHS में आते हैं, फिर से स्क्वायर करते हैं. देन यू विल हैव हियर 4-degree equation. 4-degree equation को फैक्टराइज करना इज इम्पॉर्टेंट. तो आप इसको फैक्टराइज कीजिए, सॉल्व कीजिए, एक्स का वैल्यू लाइए. इंपॉर्टेंट आउटकम आपको लास्ट में निकल के दिखता है एंड दैट इंपॉर्टेंट आउटकम इज यू हैव +3 ± √5/2 एक सॉल्यूशन है. बाकी दो सॉल्यूशंस आपके दिखते हैं इमेजिनरी. यहाँ पे ओनली हमने प्लस लिया है, माइनस क्यों नहीं लिया आपको पता होना चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडर रूट एक्स का जो भी वैल्यू होता है वो मॉड एक्स होता है. रूट एक्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू निकालता है, कभी भी निगेटिव वैल्यू की तरफ नहीं जाएगा. दो इन आर ऑप्शन में भी निगेटिव वैल्यू नहीं है बट कभी भी अगर एग्जामिनेशन में कैट में एक बार निगेटिव वैल्यू के साथ क्वेश्चन पूछा है उसका डायरेक्ट आउटकम हमारे पास मिलता है. अगर आपके पास फिर भी निगेटिव आंसर्स दिखाए तो सबसे पहले उस निगेटिव आंसर को एलिमिनेट कीजिएगा. तो इन्होंने सॉल्व किया. अगर आप मुझसे भी पूछते कि बॉस ये बताओ कि कॉन्सेप्ट वाइज आंसर क्या होगा तो दिस मेथड को ही मैं फॉलो करता जो उन्होंने फॉलो किया है. बट एक और मेथड यूज किया जा सकता है विच वन इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेशन. बट अप्रोक्सीमेशन इज नॉट द बेस्ट मेथड. बेस्ट मेथड यही है. अप्रोक्सीमेशन ओनली अप्लीकेबल होगा जब आपके आंसर्स थोड़े से डिफर होंगे और यहां पे आंसर्स डिफर हैं. तो आपको इसमें करना क्या है, बेस्ट मेथड में आप करते क्या, जहां पे दोबारा 5/2 दिखता है वहीं से रिप्लेस करते हो. अप्रोक्सीमेशन में 5/2 स्टार्ट हुआ है, दूसरी यहां पे देखिए, तीसरी यहां, तीसरी जहां पे दिखती है हम लोग उसको हटाते हैं एंड अप्रोक्सीमेशन करना स्टार्ट करते हैं. 13/4 अगर आप सॉल्व करते हो तो दिस वन इज 3.25 यहां पे आएगा, दिस वन इज 2.5. मैं सारी वैल्यूज को लिख लेता हूं जिस जो फ्रैक्शन है. सो ये 2.5 दिखा है तो वी डू नॉट हैव ऑल दिस कैलकुलेशन. 13.25 आपको एक बात पता होनी चाहिए, इसका रूट लगाया है तो अगर आप 3 का रूट देखते हो तो 1.7 होता है, 0.25 तो ये अप्रॉक्स 1.8 होगा. अप्रोक्सीमेशन लिखे जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस 2.5 अगर आप ऐड करते हो तो 1.5 प्लस 2.5 इज 4.3, तो ये 4.3 होगा. देन हमें फिर से रूट इसको यूज करना है. अगर आप 4 का रूट लेते हो तो वो 2 होता है, 4.3 का रूट जो होगा अप्रॉक्स 2.1 दिखना चाहिए. तो मैं इसको मान देता हूँ ये अप्रॉक्स 2.1 होगा, डेट इज 0.7, 2.9 के करीब जाएगा बट 2.1 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन. उसमें 6 मल्टीप्लाई करते हैं इनटू 6, दिस वन इज नथिंग बट 12.6 ये जाएगा. फाइन, 12.6 में 3.25 ऐड करते हैं तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा 15.85. ये अप्रोक्सीमेशन दिखेगा 15.85 का जो अंडर रूट होगा 16 का अंडर रूट, बिकॉज फिर से हमने अंडर रूट में काम करना है, यहाँ पे अंडर रूट आया है तो 15.85 का जो अंडर रूट होता है वो 4 से कम होगा, 3 से ज़्यादा होगा. 3.5 का 12 होता है तो मैं इसको मान लेता हूँ ये 3.8 के करीब रहा होगा. अब 2.5 में 3.8 ऐड करना है, क्यों, बिकॉज इसका आउटकम यहाँ बाहर निकलेगा. तो 2.5 प्लस 3.8 जो आपके सामने दिखेगा वो दिखेगा 6.3, तो ये प्रॉक्स 6.3 दिखेगा, या आप इसको बोल सकते हो ये 6.30 होगा. मैं इसको बाहर निकालने की चेष्टा नहीं करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट आउट. मैं इसको सॉल्व करूंगा और ये जो मेरे पास आया है ये 6.30 का मैं देखूंगा अप्रॉक्सीमेशन क्या है. तो मैं यहाँ इसको रूट निकालने से अच्छा यहाँ के वैल्यू को स्क्वायर करूंगा. रूट 2 मुझे पता होता है 1.4 है, तो 3 प्लस 1.4 इज 4.4 का मतलब 2.2 होगा.
अगर ये इसका आंसर 2.2 होगा तो स्क्वायरिंग करने पे मुझको पता है 4.84 होगा, बहुत दूर है, तो ये तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दूर है। रूट फाइव भी मुझको पता है ये 2.2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2.2 = 5.2। 5.2 को अगर आप डिवाइड करते हो 2 से तो बहुत सिंपली आप कह सकते हो कि वो 2.6 होगा, और 2.6 का स्क्वायर मुझको याद है ये 6.76 होगा। देखो आप, ये 6.3 है, 6.76 है, क्लोज है, इससे तो दूर है, तो ये हो सकता है, मैं रखूंगा। रूट टू होता है 2.2, ये कैंसिल आउट होगा, 2.2 का स्क्वायर होता है 484, ये भी दूर है, ये कहाँ 630 या कहाँ 484, तो ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं देखता हूँ 2.2, तो ये हो जाएगा 6.6 + 1 इज 7.6। अगर आप 7.6 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3.8, और 3.8 का मुझको स्क्वायर पता है वो होता है 114.44। ये 6 है, और कहाँ ये 14.44, ये नहीं है। तो अगर आप अप्रोक्सीमेशन से चेक करोगे तो ऑप्शन बी इज द आंसर। और जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस इस सीरीज में दिखे हैं अप्रोक्सीमेशन से सारे सॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो कैट का ही क्वेश्चन क्यों ना रहा हो, वो भी अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व होता है। जो भी क्लोज आंसर होता है उसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। आपको करना क्या है, जहां पे थर्ड टाइम दिखता हो उसको हटाओ, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन रूट निकालो। लास्ट रूट को हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं, तो वी हैव अप्रोक्स रूट 6.30। अब जो भी आंसर आता है उसको स्क्वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा आप इसका भी रूट निकाल सकते थे, 630 का जो आपका रूट दिखेगा अराउंड 2.5 का 625 होता है, 2.5 समथिंग के बगल में आ रहा है 2.6, तो यही आंसर होगा। बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको ये दिख सकता है कि 2.5 के बगल में 2.3 भी होगा तो कौन होगा, नहीं होगा। तो हम लोग जनरली इसको स्क्वायर करके आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं, बट इसको भी निकाल सकते हो। बट ये याद रखिएगा, दिस वन इज ऑप्शन एलिमिनेशन, दो ऑप्शन में फंस गए तो ये बेस्ट मेथड है। अगर आप नहीं फंस रहे हो जहां पे ऑप्शंस इस टाइप से क्रिएट किया जाता है, तो बेस्ट होगा कि ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए और सॉल्व कीजिए। अदरवाइज सरेंद्र बाबू, आपका आंसर बहुत सही है, कॉन्सेप्ट बहुत सही है। दिस वन इज द अप्रोक्सीमेशन मेथड सॉल्विंग ऑल दीज क्वेश्चंस। एंड अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हो किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप से, इसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट कन्वर्जिंग सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज है बट कन्वर्ज करेगा, एक फाइनल वैल्यू निकालेगा, तो आप उसमें अप्रोक्सीमेशन यूज करते हो जो 99% टाइम सही हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेशन लगाइए, आंसर फाइंड कीजिए, क्लोज आंसर इज द बी, और यही मेरा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, फिर से चेक कीजिए, एंड हाउ टू डू अप्रोक्सीमेशन आप इसे चेक करो, एंड गिव योर बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन। ओके, विथ ऑल बेस्ट विशेस, माय सेल्फ अमिया, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।